कॉजवे आर्जी तौर पर बनाया गया और इस वक्त हम इस कॉजवे से उतर रहे हैं। ये वही ब्रिज है साइड के ऊपर, इरफान अभी दिखाएंगे, लोग से भी जाएगा। ये खतरनाक एक कॉजवे बना है अभी, और मजे की बात यह है कि उस ब्रिज के नीचे से ही बना है, जो ब्रिज गिरा था उसकी बकिया हिस्सा पिछले दिनों भी गिर गया, लेकिन अब उसके नीचे से ही कॉजवे बना है। अब इससे मसाइल तो काफ़ी हद तक हल हो गए कि लोग जो है जा रहे हैं इसके नीचे से, वरना बाईपास पूरा क्रॉस करना पड़ता था। कम अज़ कम जो पैदल चलने वाले हैं, जो शिफ्ट वैन वाले हैं, उनको आसानी हुई। और यहाँ पर आप देखें कि लोग इस नदी में नहा भी रहे हैं। ये हाफ नदी है जिसमें अभी हम जा रहे हैं, और इसमें हम छोटे बच्चे बड़े सब नहा भी रहे हैं। और साथ ही जो है ना, हाई टेंशन का वायर भी गुजारा है, एक केबल भी बड़ा हैवी जो गुजारा साइड से। ये ब्रिज है, ये जो ब्रिज गिर गया जरा ये दिखाएंगे अभी, शायद सही तरीके से कवरेज हो जाए थोड़ा सा जूम करके, कि ये वो ब्रिज है। कहते हैं कि एक वक्त में कभी कोई ट्रेजेडी कॉमेडी बन जाती है, और कभी कोई कॉमेडी बाद में ट्रेजेडी बन जाती है। तो इस वक्त ये एक बड़ी ट्रेजेडी थी जो अब कॉमेडी बन गई, कि लोग इस गिरे हुए ब्रिज के ऊपर बैठ के वहाँ से सरिये तोड़ रहे हैं उसके पास, और कुछ लोग इसकी नदी में नहा रहे हैं। ये बच्चा आपको नजर आएगा साइड के ऊपर। ये वाला इरफान थोड़ा सीन इनका कवरेज के लिए, ये वो हम नदी जो रेगुलर आप पुल के ऊपर से जाते हुए देखते थे, आज नदी के अंदर से गुजर रहे। अब एक के बाद एक गाड़ी आ जा रही है, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। और ये पुल का वो हिस्सा जो गिरा हुआ है, ये ज़रा साइड से, ये वो ब्रिज के हिस्से जो बाद में भी गिर गए, यानी कि एक तो वो उस वक्त जब पानी चल रहा था, एक वो जो बाद में उसके गिर गया। कॉजवे का सेटअप और भी बनाया जा रहा है दूसरी साइड का, और इसमें हमारे नए एसी साहब आए थे, समी साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अब उस ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले, जो ब्रिज पिछले दिनों गिर गया था, उसके पुश्ते तो उखड़ चुके हैं। मोबाइल नंबर से नहीं देगा ये ब्रिज पहुंच गया उसके नीचे से गुजरने के लिए। अलकरम से आया हूँ, अलकरम से, अलकरम की बिल्डिंग है। एक मिनट, एक मिनट, दो मिनट वेट करो, मैं कॉल बैक कर। हाँ ले लो, 17 इंच ले लो, ठीक है, दो मिनट वहीं रहना, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके ओके। इस रास्ते से फ़ायदा ही हुआ है कि ट्रैफिक की वजह से वहाँ फंस जाते थे, ज़रा सा कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, तो पूरी ट्रैफिक जैम हो जाती थी। और इस वक्त तो ये चल रहा है कि काम चल रहा है इस वक्त यहाँ पर, और इससे फ़ायदा ये हो गया, अगर खुदा ना खास्ता वो रास्ता बंद हो गया, तो ये रास्ता स्टार्ट कर दिया गया। ब्रिज भी दिखाते हैं सर, बस बस आगे लेडीज बैठ।